राइट सो आई विल स्टार्ट विद बैंकिंग सिस्टम टूडे प्लीज एम्फोसाइज ऑन अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट टूडेज लेक्चर इज ऑन टाइप्स ऑफ बैंक्स है ना इन इंडिया और द बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया आप ब्रॉडली समझोगे कि बैंक का पूरा स्ट्रक्चर जो इंडिया में है वो कैसा है बैंक का स्ट्रक्चर बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा है ना तो बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा है वो समझना है हमने इट्स मोर ऑफ आट्स ए इंफॉर्मेशन बेस्ड लेक्चर बट आई विल ट्राई टू मेक इट एनालिटिकल एंड आई वाइक टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ठीक है ना सबसे पहले जब हम बात करेंगे बैंकों की है ना तो हिस्टोरिकली सिंस एशियंट टाइम्स फ्रॉम द टाइम यू सी सोसाइटी में सरप्लस जनरेट होना शुरू हुआ है ना जैसे कोई भी सरप्लस व्यक्ति काम कर रहा है वो सरप्लस जनरेट कर रहा है चाहे वो किसान है चाहे वो कोई मैन्युफैक्चरर है वो सरप्लस जनरेट कर रहा है एक पे। तो uh, वेन दर्स कोई सरप्लस हम जनरेट कर रहे हैं तो इसको इस सरप्लस को सेफ स्टोर करने है ना की जरूरत महसूस होगी कि वी टू स्टोर दिस सरप्लस टू बी यूज लेटर हम इसको बाद में यूज करेंगे हम ये सोचेंगे कि इस सर्प्लस हमने स्टोर कर लिया एंड वी विल यूज दिस सरप्लस लेटर ऑन राइट नाउ विद द एडवेंट ऑफ मनी इकोनॉमी या मार्केट एक्सचेंज बेस्ड ऑन मनी कि जब पैसे के फॉर्म में आदान प्रदान होने लगा तो जो भी ट्रांजेक्शन फ्रॉम ए टू बी टू सी टू डी हो रही है तो वो मनी की फॉर्म में हो रही है राइट right? तो अब अब आप समझिए कि सपोज ट्रांजेक्शन बिल्कुल मेरे घर के पास हो रही है घर की मार्केट में हो रही है तो आई विल कैरी मनी इन द पॉकेट और मैं जाऊंगा मार्केट से कैश दिया पैसे ले लिया ठीक है ना लेकिन आप एक बात सोचिए कि इफ सपोज आई एम ट्रेडिंग विद फ्रॉम चंडीगढ़ टू और डेली टू चेन्नई अब मैंने चेन्नई में जाना है सामान खरीदने तो विल कैरी कैश इन माई पॉकेट और अब मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ जब आप एक काफिले में चला करते थे घोड़े गाड़ियां थी है ना तो नीड की देर दी बिजनेस ट्रांजेक्शन है अगर मैं एक प्लेस ए इस place, a से प्लेस बी पे ट्रांजेक्शन करने जा रहा हूं तो आई कैन आई कुड नॉट हैश तो उस वक्त भी कोई ऐसे मैकेनिज्म थे जिससे ये ट्रांजेक्शन फेसिलिटेट हो रही थी है ना तो कैन नहीं बड़ी मी कोई मुझे बता सकता है या कभी आपने पढ़ा हो कभी सुना हो कि पहले ट्रांजेक्शन कैसे होती थी अब ये तो है नहीं है कि सारे लोग अपने कैश में लेके चलेंगे तो रास्ते में लूट लेंगे डाकू तो कैसे ट्रांजेक्शन होती थी पहले जी जैसे आज तो बड़ी सिंपल है कि आपने अगर कुछ चने से सामान मंगाना है आप वहां जाओ परचेज करो एंड ऑनलाइन ट्रांसफर करा दो पैसे आप चेक दे दो उसको आप ड्राफ्ट दे दो उसको देर आर सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स विच कैन बी डन है ना वेरी राइट तो उस वक्त हुंडीज हुआ करती थी उस वक्त हुंडीज हुआ करती थी ये लिख लो आप साइड पे, कभी प्रीलिम में क्वेश्चन आ जाएगा ये हुंडीज। हुंडी कहते थे उसको तो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मनी लेंडर हुआ करते थे सेठ हुआ करते थे बड़े बड़े उनकी अपनी हुंडियां हुआ करती थी मतलब उनका अपना चैनल था पैसा ए से बी तक रोटेट करने का तो वो क्या करते थे जैसे मैंने ट्रेड करने जाना है चेन्नई में तो मैं एक अपने एक सेट की हुंडी ले जाऊंगा जो रिकोगनाइज है वहाँ पे तो मैं वहाँ पे सामान परचेज करूँगा